हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल हैं? हेलो योगिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, वेलकम। कैसे हैं आप? हेलो विशाल जी, हाउ आर यू? हेलो रवि, हाय। हाय, हाउ आर यू? हाय डेकोर, सिला इज वॉचिंग, बलराम, राहुल, देवराज, हाउ आर यू? रहीश वर्मा जी, हाय, हाउ आर यू? उपेंद्र गुप्ता, हाय, थैंक यू सो मच। आज आशीष जी, थैंक यू सो मच। उपेंद्र गुप्ता, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग पहले तो बताइए, सभी लोगों को हाय, कैसे हैं आप लोग पहले तो ये बताओ। थैंक यू सो मच पूरी, थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर 45 स्टार्स, थैंक यू सो मच। अशोक, हाय। अजय कुशवाहा, राजेश, पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। नजीम जी, हेलो, वाओ, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। संजय कुमार, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत ही ठीक हूँ, और मेरे परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, आपके घर वाले भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ और कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, राजकुमार जी, थैंक यू भाई, कॉफी पी। विक्रम, हाय। राजू चौहान, थैंक यू। आप लोग का कुछ सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं मुझसे। सुनील कुमार जी, जैसे कि मैंने लास्ट लाइव में कहा था जब मैं आई थी कि मैं हर संडे कोशिश करूंगी कि लाइव आऊं, और आप सभी जितने भी मेरे फैंस मुझसे जुड़े हुए हैं उनके नाम लूं। और रिसेंटली मैंने देखा मेरे कई सारे पोस्ट पे कुछ सारे कमेंट्स आए, जिनमें से एक दो कमेंट्स मुझे थोड़े से अजीब भी लगे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप ये करती हैं, आप मस्ती कर रही हैं घर में, या ऐसे सारे वीडियोस या फोटोज़ डाल रही हैं, इससे अच्छा है कि आप लोगों की मदद करें, सामने आए लोगों की मदद करें। तो वो तो हम करते ही हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं, बट जब हम करते हैं और हम बताते हैं, और हम लोग जो वीडियो डालते भी हैं, सपोज़ किसी की हेल्प की या कुछ जो जिस लायक हैं, जितना भी हमने लोगों की हेल्प किया तो उसको अगर हमने अपने प्रोफाइल पे या सोशल साइट्स पे शेयर किया या बताया, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि क्योंकि हम लोग पब्लिक फिगर है तो हमें बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो हमारा उद्देश्य बस इतना सा होता है कि और भी लोग, जैसे कि लोग सीखें कि हाँ, हमें लोगों की हेल्प भी करना चाहिए, हमें आगे बढ़ के आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो एक यही एक रीज़न होता है हमें वीडियो डालने का या फोटोज़ डालने का। मैं किसी भी कलाकार या जो भी पब्लिक फिगर है, मैं उनके बारे में भी ये बात कर रही हूँ। तो फिर आप में से ही सब लोग कुछ कमेंट्स करते हैं कि किया है तो दिखावा क्यों करना, और कैमरा लेके गए थे क्या दान करने के लिए, या ऐसे थोड़े निगेटिव से कमेंट्स आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि दिखावे की तो कोई बात ही नहीं, और जब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप लोग कमेंट्स, मतलब कुछ लोगों के, चंद लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कुछ कर नहीं रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कोई, जो मेरी सोच है कि मुझे नहीं लगता है कि हम किसी की अगर मदद कर रहे हैं तो वो गरीब है, नहीं, वो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है हम उनकी मदद करते हैं, क्या गरीब और क्या अमीर, जितना जिससे बन पड़ता है वो उतना उनकी मदद करता है। तो मैं इस लाइफ में सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग
कि जो हो सके, जो अपन पड़े, जिससे भी आगे बढ़कर आइए और लोगों की मदद करिए। थैंक यू सो मच रवि कुमार, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग आए हैं वो अभी मेरे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बन पड़े, जितना भी हो सके मदद करिए। और मैं अपने इस आज के लाइव में मैं एक बहुत ही मेरी जो अपनी सोच है मैं वो आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी न्यूज़ में देखा होगा या बहुत सारे जो ट्रोल पेजेस हैं या सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि वीडियोस देखने को मिलते हैं कि एक हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, उसको उठाने के लिए, हेल्प करने के लिए नहीं है, अकेले लेके जा रहे हैं बुजुर्ग आदमी, या बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में देखा। तो मुझे बस इतना सा आप लोगों से आज मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि यही आप लोग, मतलब इसी कोरोना टाइम में आप लोग परमिशन के साथ शादी की भीड़ में जाने से नहीं कतराते हैं, तो जो कि जो आदमी जिनकी नेचुरल डेथ हो रही है उनकी मदद करने के लिए आप लोग इतना कतराते क्यों हैं या इतना अलग क्यों हो जाते हैं, ऐसी दोहरी मानसिकता क्यों? जब आप किसी का फंक्शन या शादी अटेंड करने के लिए पूरे प्रिकॉशंस के साथ में जा सकते हैं तो किसी की दुख की घड़ी में आखिर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये मेरा सवाल आपसे है, थोड़ा इस टॉपिक पे सोचिएगा। शायद मैं सही कह रही हूँ, अगर आप कह रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मदद के लिए आगे आना चाहिए जब हम किसी बड़े फंक्शन में, शादी या बारात में ऐसे जाते हैं अटेंड करने इस टाइम में, तो किसी के दुख में हम सारे प्रिकॉशंस के साथ में क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? अभी तो सबको बात करनी है। बबलू मुद्दे पे बात करो ना, बकवास क्यों कर रही हो? बबलू जी को मेरी चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं, लगता है ये ज़्यादा दोहरी मानसिकता रखते हैं। मुद्दे की बात तो कुछ भी नहीं है, बट ये एक ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना लाइव है। जिन्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं वो बिल्कुल मेरा लाइव छोड़ के जा सकते हैं। और अच्छी बातें बकवास ही लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो कुछ कोई अगर अच्छी बातें कर रहा हो तो लोगों को वो बकवास ही लगता है, बकवास लोगों को अच्छी बातें बकवास ही लगती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। विजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें अच्छी बातें भी बकवास लगती हैं, तो इसके लिए तो मैं ऐसे ही उन लोगों की बात कर रही थी, ऐसे ही लोगों की बात कर रही थी। किट्टू कुमार जी हाय, रामपाल वेलकम एवरीवन, जितेंद्र कुमार, आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है लॉकडाउन में, कैसा चल रहा है आप लोगों का? नबी तो शायद 1 जून से लॉकडाउन अनलॉक होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो जाएं और अपना ख्याल ना रखें, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, जितनी भी गाइडलाइंस है उन्हें तब भी फॉलो करना है। हाय आकाश, आकाश सैनी जी हाय, राजा ब्रिजेश प्रजापति जी गुड, थैंक यू सो मच। चंदन सिंह जी धन्यवाद भाई जी, आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से जागरण जो भी था वो आगे नहीं पढ़ पाई मैं। राजीव शीश पाल वर्मा जी, ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं मैम, अभी भगवान उनको जल्दी से अकल दे, सद्बुद्धि दे, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। समय हर कोई जितना हो सके सबको मदद करनी चाहिए, बिल्कुल। और क्योंकि मेरा प्रोफेशन, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे फैंस को अगर लाइव के ज़रिए उन्हें उनसे जुड़ सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं, इसलिए मैं लाइव आती हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। वर्मा रवि हाय, इशक बिट्टू हाय, थैंक यू सो मच। सुदामा चौहान, विपिन थैंक यू सो मच, अजय झा हाय,
वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। और अगर आप लोगों को मेरी बातें इस लाइफ में जो मैंने बातें की हैं वो अच्छी लगी हुई हो या सही लगी हो या आप लोग उससे एग्री करते हैं तो प्लीज़ इस लाइफ को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लाइव जो है वो पहुँचे और लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और आप सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने कभी चैनल बनाया है जिसका नाम है अंजना सिंह ब्लॉग्स करके यूट्यूब चैनल है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धनंजय सिंह, थैंक यू सो मच। हाय शैलेंद्र जी, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके। हाय दैट हैव ऑन मनी ऑन पब्लिक बाय वॉचिंग मूवीज एंड नॉट गिव टैक्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं देती हूँ तो बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मैं देती हूँ टैक्स। ओके कुंदन कुमार मैम, नेक्स्ट फिल्म कब आएगी। बहुत ही जल्द आएगी, अच्छा दिया था इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच रंजीत पत्रा जी, थैंक यू सो मच। और बहुत हाँ, जो सिर्फ आर्टिस्टों की ही बात क्यों करें, और भी काफ़ी सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो नहीं पे करते हैं टैक्स, तो उनको करना चाहिए। सिर्फ आर्टिस्ट तो करते ही हैं। अभी हम लोगों के लिए जो ये एंटरटेनमेंट, हम लोग का भी टैक्स जो है हम लोग पे करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं करती हूँ। विनीत शर्मा जी, किशन कुमार मन कहाँ पर, बिंदास हाय किशन कुमार कैसे हैं मैम। नेक्स्ट फिल्म में देवी का रोल नहीं है, बट देवी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। माँ विंध्यवासिनी फिल्म का नाम है, उसमें मैं माँ विंध्यवासिनी जी की भक्त हूँ और बहुत अच्छी फिल्म बनी है और अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच रंजन कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टार्स। तो अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनी है और हम लोग ने माँ विंध्यवासिनी जी के मंदिर में इसकी शूटिंग भी की है। वहाँ पे मंदिर के ही पास हम लोग रह रहे थे, सारी चीज़ें शूट्स वहाँ चल रहे थे, तो बहुत कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा शूट हुआ वहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एक हमारी फिल्म है क्या कहते हैं माँ विंध्यवासिनी, जो बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगी, और एक अभी फिल्म शूट कर रहे थे उसमें पवन जी थे हमारे साथ में, सॉरी मैं पवन जी के साथ में थी, तो उस फिल्म का नाम है हमार स्वाभिमान, वो भी उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत जल्द आप लोग के सामने आएगी फिल्म। और एक फिल्म बहुत सारी और भी फिल्में हैं जो लाइनअप हैं जो आप लोग बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और लागल रहा बतासा चाचा पार्ट टू बनने वाली है जो कि शूट होने वाली है, लॉकडाउन हो गया इसलिए हम लोग शूटिंग में नहीं जा पाए, वो भी बहुत जल्द आएगी देखने के लिए। थैंक यू सो मच विवेक जी, कैसे हैं आप। अरे विवेक जी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और विवेक रस्तोगी जी, और वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। विवेक जी ने फिल्म बनाई थी जिसमें मैं थी और रवि किशन जी थे, आप सभी ने वो फिल्म देखी भी होगी, उस फिल्म का नाम था शहंशाह, और सभी को शायद पता नहीं होगा बट मुझे लगता है कि विवेक जी कोविड पॉजिटिव थे और उन्होंने कोविड को हरा कर वापस वो स्वस्थ हो गए हैं, हेल्दी हैं अभी, बहुत अच्छे हैं, और हम सब लोग आपके मतलब आप हमेशा स्वस्थ रहें यही कामना करते हैं, और आपने कोविड को हराया है और सारे प्रिकॉशंस आपने लिए, जितने भी गाइडलाइंस थे आपने फॉलो करी,
और आज वापस आप पहले जैसे विवेक जी हैं और इंडस्ट्री वेट कर रही है जल्दी से आप अच्छा अच्छा सिनेमा बनाएं, बड़ा बड़ा सिनेमा बनाएं। नीरज कुमार जी थैंक यू सो मच, विचल शरद मोहराना जी थैंक यू, मुकेश भगवान करे विवेक जी आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और आपका परिवार भी हमेशा स्वस्थ रहे, सारे लोग बिटिया मैम मम्मी पापा आपके सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, कभी कोई दिक्कत ना हो, हमारी तरफ से यही कामना है। विपिन मिश्रा जी हेलो, मुफीद हाय, आकाश सैनी हेलो, तो मैं क्या बात कर रही थी नाम भूल गई, दीपक लहरी जी, गणेश शंकी जी हेलो हाय, राहुल कुमार, शीशपाल वर्मा जी हाय, कन्हैया राय हेलो हाउ आर यू, थैंक यू सो मच यादव, विपिन कुमार तिवारी हाय, सीमा शाह वॉचिंग मी, ओके तो उसकी भी शूटिंग, हाँ मैं बात कर रही थी मेरी फिल्म जो नाम था उसका हमार स्वाभिमान, काफ़ी अच्छा सिनेमा बनाया है, आई थिंक 35 to 40 days लगे फिल्म बनने में और उम्मीद करती हूँ बहुत समय के बाद पवन जी के साथ मेरी फिल्म आ रही है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच नवीन कुमार। और हाँ मैं लागल रहा बतासा चाचा पार्ट टू की बात कर रही हूँ, जो कि फ्लोर पे जाने वाली थी बट लॉकडाउन की वजह से हम फ्लोर पे नहीं जा पाए, बहुत ही जल्द हम लोग फ्लोर पे जाएंगे और साथ ही में एक और बहुत ही अच्छा सिनेमा है जो कि उसका मैं नाम अभी नहीं बताऊँगी, बहुत ही जल्द आप लोग को पता चलेगा। लागल रहा बतासा चाचा पार्ट वन आप लोग सभी लोगों ने देखी होगी, मनोज टाइगर जी की थी, मनोज टाइगर जी थे जिनको बतासा चाचा के नाम से हम लोग प्यार से बुलाते हैं, उन्हीं के साथ मेरी ये फिल्म है। और आज सुबह उठी तो थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ भोजपुरी के लोग जुड़े होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग जितने भी जुड़े होंगे उनके लिए भी बहुत दुख की बात होगी। हमारे स्पॉट दादा थे जिनका नाम शिवा था शायद सभी लोग जानते होंगे, उनकी आज डेथ हो गई, आज उनकी डेथ हो गई। तो सुबह हमारे भोजपुरी परिवार ग्रुप है, हमारा एक ग्रुप है, उसमें ये खबर आई कि वो नहीं रहे, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जान के, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल लड़का था, बहुत ही मेहनती था हमारा स्पॉट दादा।